अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया और उनके साथ में एज़ अ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि आप लोगों ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ अपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है AHPC अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल .org.pk। ये लिख के आपने सर्च करना है, ये वेबसाइट खुल जाएगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस पर न्यू अपडेट आती रहती हैं। अभी इस पर दो अपडेट हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन of all institution across Pakistan has been started। अगर कोई institute या college अपना registration करवाते हैं तो वो इधर ये इनके form है, ये download करके उसको fill करेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देन नहीं है। तो हमारा हमें registration certificate चाहिए, तो हम इस वाले पे आएंगे। registration of overseas has been started। अब फ़िलहाल overseas के लिए start है और इंशाल्लाह करीब एक दो हफ्ते में कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरसीज़ के लिए ये इधर फॉर्म है और ये ईमेल है। तो लेकिन इससे पहले फॉर्म और ईमेल से पहले हमने क्या करना है, हमने जो ओवरसीज़ के लिए गाइडलाइन है वो पढ़ना है। डाउनलोड पे आना है, डाउनलोड पे ये गाइडलाइंस फॉर ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स ओनली, ठीक है, इसको हमने डाउनलोड करना है और इसको हमने रीड करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको कॉल की ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइन है। ये देखिए कि ये मांग रहे हैं द ओवरसीज एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ये ओवरसीज एप्लीकेंट और जो पर्सन हु इंटेंड टू गो अब्रॉड, वो बंदे जो बाहर जाना चाह रहे हैं, और ऊपर वाला उन बंदों के लिए हैं जो ऑलरेडी बाहर हैं। जो ऑलरेडी बाहर बंदे हैं वो अगर बाहर कंट्री से कर रहे हैं तो इनको छः चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये फॉर्म, जो फॉर्म डी है वो डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। उसके बाद पासपोर्ट का एक स्कैन कॉपी चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए, और इसके अलावा CNIC की कॉपी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज। और ये चीज़ें ये आपके IBCC से, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके आपके बोर्ड और IBCC से अटेस्टेड होना चाहिए। और डिग्री जो है आपकी ये फॉरन ऑफिस से HSC से अटेस्टेड होना चाहिए। फिर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इसकी उन्होंने फीस डिवाइड की तीन कैटेगरीज में। एक साल के लिए अगर आपने करवाना है तो उसका फीस है $100, और अगर 3 साल के लिए कराना है तो उसका है फीस $250, और 5 साल के लिए $400 है। अब जो बंदे कंट्रीज़ में हैं और वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये है। बाकी चीज़ें सेम हैं सारे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उनका फ़ीस है 3 साल के लिए 3,000, और अगर किसी के पास डिप्लोमा है किसी भी फैकल्टी से, KPK पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो उनका फ़ीस है 6,000। ये लेकिन इनका डिप्लोमा जो है ये उस बोर्ड से अटेस्टेड होना चाहिए जो भी आपकी फैकल्टी है। और उसके बाद अगर आपके पास डिग्री है तो फ़ीस है 9,000 3 सालों के लिए। और अगर आपके पास अपने किसी भी फील्ड में आपका MS है या PhD है तो उसका फिर फीस है ₹12,000, ठीक है, 12,000। तो ये इनका फ़ीस है। ये नीचे इन्होंने अपना अकाउंट दिया है तो इसके थ्रू आप इनको पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं जब कर रहा था तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, और आप बैंक के थ्रू इनके चालान ये वेबसाइट पे हैं तो आप वो डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये गाइडलाइन थी। अब मैं आपको जो फॉर्म डी है ओवरसीज़ के लिए तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्म है, यहाँ पे ये फॉर्म आपने फ्रेंड करना है और फिर इस पे बाय हैंड लिखना है। यहाँ पे आपने एक तस्वीर लगानी है, कोशिश करें तस्वीर आप किसी साइड से स्टेपल करें, मतलब या ऊपर से या किसी भी साइड से या नीचे से, ताकि आपका ये तस्वीर फिर वो लगाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो ताकि वो तस्वीर के ऊपर स्टेपल ना हो आपकी मुंह आँख या किसी भी बॉडी में नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आपने ये पूरा फिल करना है, नेम ऑफ प्रोफेशनल में आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे जो ईमेल है, और यहाँ पे ये एड्रेस पूछ रहे हैं पोस्टल एड्रेस, तो पोस्टल एड्रेस कोशिश करें कि आप अपना जो भी इलाका है आपका, जो NIC के ऊपर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी एड्रेस है, कोशिश करें कि वो लिख के इधर, क्योंकि आप अगर किसी जगह काम कर रहे हैं किसी भी शहर, और आप उधर के एड्रेस लेंगे तो फिर आपके रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के ऊपर भी वही एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे वो एड्रेस लिख के जो आपकी CNIC के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है तो वो लिख के हैं। ये ऑप्शनल है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही कंट्री लिखें, सिर्फ ये ऑप्शनल है, आप कोई भी कंट्री लिख सकते हैं। और ये नीचे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म डी है। आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, मेट्रिक के सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट, FSC का मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट और रजिस्ट्रेशन, जो उनके सर्टिफिकेट है इंटर FSC का वो, उसके बाद आपके जो अगर डिप्लोमा है या आपका MSc है या BSc है या BS है तो वो, और CNIC पासपोर्ट का कॉपी और एक आध तस्वीर, तो ये चीज़ें फिर आपने इनको इस ईमेल पे ईमेल भी करनी है साथ, ठीक है, ये ईमेल भी करनी है इस ईमेल पे, और वो जो फॉर्म है उसका भी आप तस्वीर लेंगे, ये सारी चीज़ आपने इनको इस ईमेल पे ईमेल करनी है। ईमेल के बाद आपने उनको वो TCS करानी है सारे डॉक्यूमेंट्स। एक हफ्ते बाद आपको अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल वाले आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके जो भी एड्रेस आपने दिया है उस पर आपको TCS कर देते हैं। ये मेरा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फॉर ओवरसीज़ ओनली। इसमें मेरा पूरा डिटेल है, और जो मेरा डिसिप्लिन है वो है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 3 साल के लिए है, इसकी एक्सपायरी 2021 नवंबर है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल या बाकी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।